मातरम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जो आप देख रहे हैं शिक्षा खबर। इस वीडियो में हम जानेंगे, देखिए आप लोग का जो CTI का फर्स्ट काउंसलिंग का ट्रांसफर लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप लोग जो कि नीमी के वेबसाइट पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो कि एक्टिवेट हो चुका है, कैसे ट्रांसफ़र करना है सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें शेयर के सभी जानकारी पाने के लिए। देखिए सबसे पहले मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे सकता दूंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट, कौन कौन से स्टूडेंट जो कि जो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। देखिए वही स्टूडेंट ट्रांसफ़र कराएंगे जिसको फर्स्ट चॉइस, ठीक है, फर्स्ट चॉइस नहीं मिला। जैसे एग्जांपल में उनको कानपुर चाहिए था फर्स्ट चॉइस, कानपुर चाहिए था, कानपुर में उनको जो है कि फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, उनको मिल गया मुंबई, इनको मिल गया मुंबई। तो वही कैंडिडेट जिनको कानपुर अप्लाई किया था नहीं आया, सेकेंड में मुंबई आ गया, तो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में देखिए जो कैंडिडेट जो कि प्रोविजनल एडमिशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा चुके हैं, वही स्टूडेंट जो है कि अपना जो है कि क्या करेंगे, कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग को देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट गोट अदर द फर्स्ट चॉइस माई अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र क्लिक हेयर, ठीक है, अप्लाई ट्रांसफ़र क्लिक हेयर। देखिए यहाँ पर वही कैंडिडेट करा सकते हैं ट्रांसफ़र जिसका फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, ठीक है, जिसको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला वही कैंडिडेट यहाँ पे जो कि ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख कैंडिडेट गॉट ट्रांसफ़र फर्स्ट चॉइस माई अप्लाई यहाँ पे फॉर्म क्लिक हेयर, ठीक है। तो इसी पर क्लिक हेयर का जो लिंक है आप लोग इसी पे जैसे क्लिक करेंगे, आप लोग जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोग के सामने एक नया पेज आ जाएगा, एक नया पेज आएगा आप लोग को एंटर करने। जैसे कॉलेज जो कि अप्लाई ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट में ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, वही ईमेल आईडी जो आप लोग जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन, जैसे आप लोग ईमेल आईडी जैसे आप लोग अप्लाई किए थे वही ईमेल आईडी आपको फर्स्ट ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, कैप्चर कोड डालना पड़ेगा, लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप एंटर करेंगे सारा चीज़, चलिए मैं एंटर करके बताता हूँ कौन कौन से कॉलेज आपको जो है कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कैंडिडेट का यहाँ पर डालूँगा और कॉलेज ट्रांसफ़र करके आपको दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पर एंटर करने के बाद, एंटर करने के बाद जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा जो कि पेज खुलकर आ जाएगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ट्रांसफ़र, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ ट्रांसफ़र करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कॉलेज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को कॉलेज का ऑप्शन आ जाएगा, आपके सामने का ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। तो देखिए आप लोग का जो ट्रांसफ़र करने का जहाँ जहाँ पर सीटें खाली रहेंगी आप लोग को जो है कि ट्रेड के अनुसार आपकी जो है कि दिखाएगा। देखिए यहाँ ये स्टूडेंट जो है कि अपना यदि चाहेगा ट्रांसफ़र करना तो क्या करेगा, यहाँ पे आपका वो बेंगलोर ITOT प्राइवेट ITOT में डाल सकता है, फिर गवर्नमेंट ITOT है इसमें डाल सकता है। इसी तरह अपना जो है कि सारे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सारे कॉलेज को एंटर करने के बाद आप लोग सिंपली से सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका जो है कि कॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगा। कॉलेज ट्रांसफ़र होने के बाद आप लोग का जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको नीमी की वेबसाइट पे शो कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे जाके 28 तारीख को आप लोग जो है कि रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए 27-28 दो दिन आप लोग जो है कि कॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे, 29 तारीख को आप लोग का जो है कि रिजल्ट उसका आ जाएगा, किस जगह आपको कॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है इसका रिजल्ट शो कर दिया। जैसे रिजल्ट शो करेगा आपको जो कि मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आपको किस जगह कॉलेज मिला है। तो दी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर। जल मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।